गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, कल हमने अ की मात्रा पढ़ी थी और सीखी थी, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसी अ की मात्रा को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसकी बुक में नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है बच्चों, जो कि हमारी अ की मात्रा से रिलेटेड है। और हम इसमें अपनी कॉपी में भी इस आगे के काम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें करेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्द पूरा कीजिए। तो इसमें हमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है क का पे औ की मात्रा कौवा, कौवा। यहां पर आप कौवे की पिक्चर देख रहे हैं ना, यहां पर कौवा बना हुआ है। नेक्स्ट है न, न पे औ की मात्रा नौ का। तो यहां हमारा एक शब्द गायब है जो कि हमारा क्या होगा, न, न पे ओ की मात्रा नौ और फिर का, तो क्या हो जाएगा ये नौका। नौका की पिक्चर देख रहे हैं ना आप, नाव को देख रहे हैं अपने बुक में। अच्छा, फिर हम आगे करेंगे क, च, च पे ओ की मात्रा चौड़ी, कचौड़ी। तो यहां पर हो जाएगा क डैशड़ी, तो क्या आएगा हमारा, च आएगा, च, चापे ओ की मात्रा चौड़ी। तो हमारा शब्द हो जाएगा क चौड़ी, कचौड़ी। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ना, अच्छी अच्छी सी कचौड़ी प्लेट में रखी हुई है ना। आप सबको पसंद है ना कचौड़ी बच्चों, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट, यहां पर कुछ हमारे क्या बने हुए हैं, खिलौने, है ना। तो इसमें इसी का नाम यहां आएगा खी, ल, ला पे ओ की मात्रा लौना, खिलौना, है ना। तो यहां है खी, यहां लिखेंगे हम ल, ला पे ओ की मात्रा है लौना, तो ये हमारा हो जाएगा खिलौना, खिलौना। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ना, खिलौने रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से खिलौने रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में आपको। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो हमारी अगली है वो है इन शब्दों की मात्रा चंदा मामा से मिलने गई है, उसे वापस बुलाकर इनसे मिलाइए, है ना। ऐसी वाली एक्सरसाइज बच्चों आपको याद है ना, कि हम हर बार अपनी हर मात्रा में ऐसी वाली एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना बच्चों। पहले हमने क्या करा था, शेर के मुंह में से अपनी मात्रा लेकर आए थे, वहां लगाई थी हमने सही मात्रा। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, फिर हमने बंदर से अपनी मात्रा छीनी थी, है ना। बंदर पेड़ पर लेकर बैठ गया था मात्राओं को, और हम उसके पास से मात्राओं को लेकर आए थे और लगाकर हमने अपने शब्दों को पूरा किया था। अब की बार हमारी मात्रा कहाँ चली गई है, चंदा मामा से मिलने गई है। यहां पर दिख रहा है ना आपको चंदा मामा, है ना, और उसमें क्या दिख रही है, हमारी मात्रा भी दिख रही है, ओ की मात्रा, है ना, दिख रही है ना आपको। तो हमें इस मात्रा को क्या करना है, वापस लेकर आना है सारे शब्दों में। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को। यहां पर है बिछना, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा बी, छ, छ पे ओ की मात्रा छौना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिछौना। फिर हमारा है पधा, तो प में हम ओ की मात्रा लगाएंगे, प, पा पे ओ की मात्रा पौधा, पौधा, पौधे की पिक्चर देख रहे हैं ना आप यहां पर, है ना। तो आपकी सुविधा के लिए यहां पिक्चर्स भी दी हुई हैं कि आप पिक्चर देखकर समझ जाओ कि हमें क्या शब्द इसमें बनाना है, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं खिलना, तो यहां पर भी हमें क्या लेनी है, यहां से ओ की मात्रा लेनी है, तो खी ल, ला पे ओ की मात्रा लो ना, खिलौना। तो आप देख रहे हैं ना यहां पर खिलौना रखा हुआ है ना, ये भी खिलौना रखा है, ये भी खिलौना रखा है। फिर नेक्स्ट मसी, तो यहां पर हमारी क्या लगेगी, फिर से ओ की मात्रा लग जाएगी, म, मा पे ओ की मात्रा मौसी, मौसी, मौसी की पिक्चर देख रहे हैं ना आप, यहां पर ये मौसी बनी हुई है। और फिर हमारी है तलिया,
तो त में फिर से हम क्या लगाएंगे, अपनी अ की मात्रा को वापस लाएंगे और वापस लाकर हम इसमें त ता पे अ की मात्रा तौलिया तौलिया। तो ये हमारी तौलिया टंग रही है ना बच्चों, तो ये हमारी ये तौलिया हो गई। इस तरह से हमने अपने शब्दों को पूरा कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अ की मात्रा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई ना बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। हमने पिछली बार 3 एक्सरसाइज करी थी, कल जो करी थी हमने अपनी कॉपी में, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 है, सही गलत का निशान लगाओ। हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, जैसा कि हम पिछले अपने लेसन में भी करते हुए आए हैं, तो हमारे पास ये सेंटेंसेस है और हमें इनके सही और गलत का निशान लगाकर बताने हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, नौकर पानी लाया, विराम। तो ये सही है बच्चों या गलत है? ये सही है ना? तो क्योंकि नौकर जो है वो चाय भी लाता है, नौकर पानी भी लाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, खिलौना टोकरी में है। तो ये हमारा होगा खिलौना टोकरी में है। तो क्या बच्चों हमने जो अपना लेसन पढ़ा था उसमें खिलौना टोकरी में था? किसी टोकरी में था खिलौना? हैं, यहां पर हमने जब पढ़ा था तो टोकरी में था खिलौना है, ये रहा खिलौना टोकरी में है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट है, गौरव का खिलौना टूटा, विराम। तो हमने अपने लेसन में पढ़ा था बच्चों, तो क्या हुआ था, गौरव का खिलौना टूटा था ना, यहां पर हमने पढ़ा था ना। तो हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये भी हमारा सही है कि गौरव का खिलौना टूटा। नेक्स्ट है, गौरव खिलौना टूटने पर हंसने लगा। तो बच्चों हमने जैसा कि अपने लेसन में पढ़ा था कि गौरव जो था उसका खिलौना टूट गया था, तो क्या वो अपने खिलौने को टूटा हुआ देखकर हंसने लगा था, हंसा था वो, क्या था, और वह रोने लगा, है ना। वो क्या करने लगा था, रोने लगा था, है ना, हंसा तो नहीं था वो रोने लगा था। तो ये सेंटेंस, ये हमारा जो वाक्य है ये क्या है, ये गलत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, दादी ने कचौड़ी बनाई। दादी ने कचौड़ी बनाई थी बच्चों, है बच्चों, दादी ने बनाई थी कचौड़ी। किसने बनाई थी कचौड़ी? कचौड़ी मौसी ने बनाई थी, है ना। दादी का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, है ना। तो और यहां पर हमारा वाक्य जो है वो क्या कह रहा है कि दादी ने कचौड़ी बनाई। तो क्या है ये वाक्य, सही है या गलत है? ये वाक्य गलत है ना बच्चों। तो यहां हम गलत का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, सैनिक रक्षा करता है। सैनिक जो है रक्षा करता है, ये तो हम सभी जानते हैं और हमारी बुक में भी फौजी सैनिक दिखा रखे हैं यहां पर। और वो क्या कर रहे हैं, सैनिक क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो वाक्य है हमारा ये सही होगा या गलत होगा बच्चों? ये वाक्य हमारा सही होगा, है ना। तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे, सैनिक रक्षा करता है, विराम, सही है ये। ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि है वाक्य बनाओ। ये हमको वाक्य बनाने हैं, कुछ वर्ड्स यहां पर दिए हुए हैं और इनके हमने वाक्य बनाए हैं, है ना बच्चों। तो चलो देखते हैं इसमें। हमारा पहला शब्द है पौधा। तो पौधा का हमने बनाया है, गौरी ने पौधा लगाया।
दूसरा है बच्चों हमारा नौका। तो नौका का हमने सेंटेंस बनाया है, नाविक नौका चलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ गया नौका। क्या बनाया हमने नौका का? नाविक नौका चलाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तौलिया। तौलिया तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है, मेरा तौलिया पीले रंग का है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो सबके तौलिये होते हैं ना, आपके पास भी पता नहीं किस रंग का तौलिया होगा, है ना, कितना सुंदर होगा, कैसा होगा, है ना, तो हमने इसको पीले रंग का बना दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा शब्द कचौड़ी। कचौड़ी है ना, तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है, गौरव ने कचौड़ी खाई। तो गौरव ने कचौड़ी खाई थी ना, है बच्चों, गौरव ने कचौड़ी खाई थी ना, किसने बनाई थी वो कचौड़ी उसके लिए? उसकी मौसी ने बनाई थी, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिछौना। बिछौना तो बिछौना का है, मेरा बिछौना सुंदर है ना। सबको अच्छा लगता है ना अपना बिछौना, सबको सुंदर लगता है अपना बिछौना, है ना। तो ये हमारा बिछौना का वाक्य हो गया, पूर्ण विराम। आगे है हथौड़ी। हथौड़ी तो हथौड़ी देखी है ना सबने, सबने देखी है हथौड़ी, हाँ देखी होगी जरूर। तो हथौड़ी किसकी होती है? हमने यहीं पर ये बताया है, हथौड़ी लोहे से बनी है, विराम। हथौड़ी जो होती है वो लोहे से बनी होती है। और हम क्या करते हैं हथौड़ी से? हथौड़ी से हम कील ठोकने का काम करते हैं, करते हैं ना बच्चों, है ना, हाँ। तो हमारा नेक्स्ट है फौजी। चौराहे पर फौजी खड़ा है, पूर्ण विराम। ये हमारा फौजी का सेंटेंस हो गया, चौराहे पर फौजी खड़ा है ना। और फौजी खड़ा होकर क्या करता है? हमारी रक्षा करता है ना। तो ये इस तरह से हमारे ये वाक्य बनाव हो गए बच्चों। इस हमने अपनी औ की मात्रा के लेसन को, जो औ की मात्रा हमने कल करी थी, आज हमने इसको कंटिन्यू करा। इसमें हमने थोड़ा काम आज करा है और कल भी बच्चों हम इसी मात्रा को कंटिन्यू करेंगे और इसका बचा हुआ काम भी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।